अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन रोगन जोश की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने कुछ मटन के पीसेस ले ली हूँ विद बोन्स वाले मटन स्टॉक बनाने के लिए। टोटल मैंने तकरीबन यहाँ पे 2 किलो मटन लिया है, जिसमें से थोड़े से मटन मैंने निकाल ली हूँ स्टॉक बनाने के लिए। इसे अच्छे से मैंने वॉश करके रेडी करके रख लिया है। अब हम मटन स्टॉक बनाएंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 5 से 6 मटन के पीसेस ले ली हूँ बोन्स वाले। वो स्टॉक बनाने में बहुत अच्छा होता है, बोन्स वाले पीसेस लेंगे आप। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 5 से 6 गार्लिक पॉट्स, कुचला हुआ लहसुन, और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, ठीक है। उसके अलावा अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3.5 ग्लास पानी ऐड करेंगे हम, क्योंकि 1/2 ग्लास जो रहेगा वो तो जब बॉईल होगा पानी स्टॉक बनने के लिए वो उतना कम हो जाएगा। तो तकरीबन 3 ग्लास जितना पानी हमारा बच जाएगा, जो मुझे आगे स्टॉक जो प्रिपेयर होने के बाद मुझे आगे ग्रेवी में लगेगा, ठीक है। तो 3.5 ग्लास पानी हम इसमें ऐड करेंगे। उसके अलावा हम इसमें खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 स्टार एनीस लिया है, 1 ब्लैक कार्डमम लिया है, 4 से 5 लौंग लिया है और 5 से 6 काली मिरी ली है। ये सब डाल देंगे हम खड़े गरम मसाले, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हम इसमें जो मैंने आपको बताया 3.5 ग्लास पानी, उतना पानी ऐड करके हम इसे बॉईल करेंगे। अच्छे से बॉईल करके हम इसका स्टॉक प्रिपेयर करेंगे, और स्टॉक प्रिपेयर करने के बाद हम पानी को और गोश्त को अलग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने तकरीबन 14 से 15 अक्खी लाल मिर्च, तीखी वाली ड्राई अक्खी लाल मिर्च मैंने इसे पानी में भिगोने रख दिया। अब इसे 10 मिनट में भिगोंगी और फिर मैं इसे पेस्ट बनाकर रख लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने पानी भी ऐड कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन करके मटन को स्टॉक प्रिपेयर करने के लिए चढ़ा देंगे, ठीक है। और मटन स्टॉक प्रिपेयर करने के लिए एटलीस्ट हमें इसे कुक करना होगा 15 से 20 मिनट के लिए। तभी इसे कुक होने देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, अच्छे से बॉईल आ जाए, एक प्रॉपर स्टॉक इसमें सारा जमा हो जाए सारा फ्लेवर, फिर हम इसको बंद करेंगे। देखिए आप देख रहे हो अभी सिर्फ 5 मिनट हुआ है स्टॉक बन रहा है। आप ये ऊपर लेयर देख रहे हो, वाइट लेयर जो है, इसे हमें स्पून की हेल्प से निकाल कर फेंक देना है। आपको फास्ट फ्लेम पे ही इसे कुक करना है, और जितना ज़्यादा ये ऊपर लेयर जमा होगा, ये फेस जो दिख रहा है आपको, ये सारा हमको निकाल कर फेंक देना है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये कढ़ाई को ढक कर हम स्टॉक प्रिपेयर करेंगे। 15 से 20 मिनट हमें इसे कुक करना है, ठीक है। तो 15 से 20 मिनट हो जाए उसके बाद फिर मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। यहाँ पर टाइम हो चुका है, 20 मिनट्स पूरे हो गए। देखिए ढक्कन हटा के मैं आपको दिखाती हूँ, स्टॉक हमारा जो हमें चाहिए था ग्रेवी के लिए वो प्रिपेयर हो चुका है। मटन हमारा अभी 50% ही गला होगा, पूरी तरह से नहीं गला होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी इस पानी को स्टॉक को मटन से अलग कर देंगे, और मटन को आगे हम भुनाई के वक्त डालेंगे, और स्टॉक हम आगे ग्रेवी के वक्त डालेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस कर लेते हैं, इसके बाद अब आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें क्या करना है वो मैं आपसे अभी आगे शेयर करती हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ क्या क्या डालना है इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गैस का फ्लेम फास्ट रख कर मैंने कुकर चढ़ा दी हूँ। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। वैसे तो मटन रोगन जोश जो है मस्टर्ड ऑयल में बनता है, लेकिन मेरे घर में मस्टर्ड ऑयल में कुक किया हुआ खाना कोई खाएगा नहीं, मतलब मेरे घर में पसंद नहीं करता है, इसलिए मैं मस्टर्ड ऑयल की जगह पर रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप अगर आपके घर में अगर मस्टर्ड ऑयल में खाना बनता है तो आप मस्टर्ड ऑयल ही ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो ऑयल अब मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 टेबलस्पून डाला है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे हम। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हो तो आप ऑयल ज़्यादा ले लीजिएगा, मैंने 3 टेबलस्पून ही लिया है। अब इसमें हम अनियंस डालेंगे चॉप किए हुए। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के अनियंस लिए, उन्हें बारीक चॉप कर लिया है मैंने। ये हम डाल देंगे, ऑयल गर्म हो चुका है उसमें। अब अनियंस को हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, और जैसे ही हमारे अनियंस फ्राई हो जाए उसके बाद हम उसे तेल से अलग करके उसका एक पेस्ट बना लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। अब इसे हम एक साइड रख देंगे और उसी कुकर में ऑयल देखिए आप थोड़ा सा बचा हुआ है। अब मैं क्या करूँगी इसमें, ये मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें तकरीबन और 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी क्योंकि मुझे इसमें गोश्त को भूनना है अच्छे से। तो 1 टेबल स्पून मैं तकरीबन ऑयल डालूँगी इसमें और 2 टीस्पून मैं घी ऐड करूँगी इसमें। ठीक है, ये प्रोसेस मैं आपको आगे करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लिया है इसमें। अब मैं इसमें घी डालूँगी 2 टीस्पून, 1 टीस्पून। ये खुशबू के लिए ऐड कर रही हूँ मैं। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन इससे अच्छी खुशबू, एक अच्छा फ्लेवर आएगा, इसलिए मैंने तकरीबन 2 टीस्पून ही डाला है। ठीक है, तो अब ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, हम जो वॉश किए हुए मटन्स जो हमारे रेडी रखे हुए वो हम इसमें फ्राई करेंगे, वो हम मटन को इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, 3 ब्लैक कार्डमम है और 5 से 6 लौंग है, ये डाल देंगे हम इसमें। इसका फ्लेवर अच्छे से उतर जाएगा मटन में। ठीक है, देखिए आप गरम मसाला जो है वो प्लटर हो रहा है अच्छे से। अब इसमें हम आगे अपने जो मटन्स है वो हम ऐड करेंगे। वॉश करके देखिए मैंने रेडी करके रख लिया था, वो अब हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ऑयल ऑलरेडी गर्म हो चुका है तो हम अभी मटन डाल देते हैं और मटन को हम तब तक के स्पून से ऊपर नीचे करके कुक करेंगे जब तक के मटन का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। मटन को बेसिकली हम ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ठीक है, तो इसे अच्छे से ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेती हूँ मैं और जब तक के इसे कुक करूँगी मैं फास्ट फ्लेम पे, जब तक कि मटन का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। यहाँ पे देखिए जो हमने स्टॉक बनाए थे ये वो मटन है, ये भी हम ऐड कर लेंगे ताकि इसे भी हम अच्छे से भून सकें। तब इसे अच्छे से ऊपर नीचे करके मैं कुक करती हूँ और जब मटन का कलर चेंज हो जाएगा जब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखिए मटन जो है ऑयल में फ्राई हो रहा है, आप देख रहे हैं इसका कलर भी चेंज होने लगा है। इसे हम और भुनेंगे ऑयल में और फ्राई करेंगे मटन्स को। अच्छे से भुनाई होनी चाहिए, भुनाई सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, ये सारा मैं ऐड कर दूँगी। और इसके अलावा इसमें जाएगा जो मैंने स्टार्ट में आपको दिखाई थी अक्खी लाल मिर्च जो मैंने भिगो के रखी थी, उसका मैंने पेस्ट बना ली हूँ, तो वो पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, पेस्ट पूरा डाल दूँगी मैं, आप क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा, मुझे इतनी क्वांटिटी काफ़ी थी मैंने उस हिसाब से डाला है 2 किलो मटन में। आप ये देख रहे हैं इसमें जो मसाले लगे हुए हैं उसे मैं वेस्ट नहीं होने दूँगी, इसमें पानी ऐड करके वो मैं पलट दूँगी मटन में। ठीक है, तभी इसे अच्छे से हम ऊपर नीचे करके इसकी भुनाई करेंगे, अच्छे से हम मटन को कुक करेंगे। भुनाई का प्रोसेस हमें अच्छे से करना है ताकि मटन में सारा फ्लेवर जो है अच्छे से उतर जाए और कच्ची स्मेल जो होती है मसालों की और मटन की वो पूरी तरह से हट जाए और हमारा डिश जो है फ्लेवरफुल बने। ठीक है, तो इसकी भुनाई का प्रोसेस हम करते हैं, उसके बाद आगे का क्या स्टेप है वो मैं आपको शेयर करती हूँ, आगे आपको बताती हूँ क्या करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मटन की भुनाई हो रही है अभी भी, तकरीबन फास्ट फ्लेम पे मैंने इसे ऊपर नीचे करके कुक किया है, अब सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं, हमें इसे और कुक करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, हमें और भुनाई करनी है और मसाले डालने हैं हमें इसमें, उसके बाद फिर हम इसे कुकर की सीटी के लिए चढ़ा देंगे गलने के लिए। अभी इसमें जो आगे के इंग्रेडिएंट्स जो डालना है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तकरीबन 15 मिनट तो कम से कम आपको इसे ऐसे ही भुनाई करनी है अच्छे से ताकि प्रोसेस हो जाए हमारा भुनाई का। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, मटन को मैंने भून लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, तकरीबन 1.5 चम्मच ऐड कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने पहले मिर्ची का पेस्ट भी ऐड किया था अक्खी लाल मिर्ची का, तो उस हिसाब से मैं अपने टेस्ट के हिसाब से 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। आप अगर ज़्यादा तीखा खाते हो तो आप और डाल सकते हो। यह है सॉल्ट का पाउडर, जिंजर पाउडर, ये तकरीबन मैंने 2 टीस्पून लिया है,
इससे हमारा मटन रोगन जोश है वो बहुत फ्लेवरफुल बनेगा। अब इसके आगे का इंग्रेडिएंट्स जो है, देखिए फास्ट फ्लेम ही रखा है मैंने, मैंने गैस का फ्लेम को स्लो नहीं किया, फास्ट फ्लेम पे ही चम्मच से हिला हिला के मैंने इसे कुक किया है अच्छे से, ताकि भुनाई अच्छे से हो। अब जाएगा इसमें दही, यहाँ पे तकरीबन मैंने 4 टीस्पून दही ली हूँ। अब दही का पानी भी छूट रहा है और मटन में भी जो पानी है वो भी पूरी तरह से बाहर आ गया है, तो इसी में हमें भुनाई करनी है ताकि हमें पानी और ऐड ना करना पड़े, इसी में अच्छे से हमारी जो मटन की भुनाई है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें कितना पानी मौजूद है अभी भी, तो मुझे इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, कितने अच्छे से इसकी भुनाई हुई है, मटन में सारा फ्लेवर उतर चुका है। अब जो इसमें आगे जो इंग्रेडिएंट्स हम डालने वाले हैं, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इस डिश का जिससे पूरा डिश फ्लेवरफुल बनता है, वो है ये सौंफ का पाउडर। तकरीबन मैंने यहाँ पे 5 टीस्पून सौंफ का पाउडर ली हूँ, क्योंकि मैंने 2 किलो मटन लिया है तो उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ ताकि फ्लेवरफुल बने। ये मेन इंग्रेडिएंट्स है हमारे मटन रोगन जोश का, तो इससे आपका डिश जो है बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देगा, बहुत ही यम्मी बनेगा। अब सौंफ डालने के बाद इसे अच्छे से ऊपर नीचे करके मिक्स कर दूंगी मैं, फास्ट फ्लेम पे ही आप देख रहे हैं अच्छे से कुक हो रहा है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मुझे इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, आप देख रहे हो पानी भी है इसमें। तो अब मिलाने के बाद अच्छे से मैं क्या करूँगी, कुकर का लिड बंद करके इसे सीटी लेने के लिए चढ़ा दूँगी गलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने हड्डी वाला गोश और अदले का गोश दोनों ऐड किया है, 2 किलो मटन मिलाकर, तो तकरीबन मैं सीटी लूँगी 8 से 10। ठीक है, तो कुकर चढ़ा देती हूँ मैं, आपको दिखाती हूँ। देखिए गैस का फ्लेम फास्ट है और मैंने कुकर चढ़ा दिया है लिड बंद करके। अब तकरीबन 8 से 10 सीटी लेंगे हम, उसके बाद फिर मैं मटन का लुक आपसे शेयर करती हूँ गलने के बाद। ओके, तो कुकर का लिड ओपन करके देख लेते हैं। माशाल्लाह देखिए मटन हमारा अच्छे से जो है गल चुका है प्रॉपर तरीके से, आप देख रहे हैं ऑयल भी दिख रहा है ऊपर, इसकी भुनाई भी अच्छे से हो गई है। अब लेकिन इसे हमें और भूनना है, एक और इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो पेस्ट हमने बनाकर रेडी रखा था, क्योंकि मुझे ग्रेवी वाला बनाना है, ड्राई नहीं बनाना है मटन रोगन जोश। अगर आपको ड्राई बनाना है तो आप ये जो मैंने अभी ये पेस्ट डाला है ये डाल के आप इसकी भुनाई कर लीजिए, उसके बाद भुनाई होने के बाद आप कोथमीर से गार्निश कर लीजिएगा। और अगर आपको मतलब ग्रेवी अगर आपको नहीं चाहिए तो उतना प्रोसेस करने के बाद, भुनाई करके कोथमीर से गार्निश करने के बाद आपका मटन रोगन जोश रेडी हो जाएगा। बट मुझे ग्रेवी चाहिए तो मैं अभी इसको पहले अच्छे से भून लूँगी ये पेस्ट डालने के बाद। फिर से फास्ट फ्लेम पे हम इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छे से, ताकि इसका फ्लेवर भी अच्छे से उतर जाए। देखिए मैंने 5 से 7 मिनट के लिए भुना। अब इस स्टेज पे अगर आपको इतना ही ग्रेवी चाहिए, सूखा सूखा आपको बनाना है, तो आप कोथमीर से गार्निश कर दीजिए और सर्व कर दीजिए, लेकिन मुझे ग्रेवी चाहिए इसलिए मैं इसके आगे का प्रोसेस जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, जो मैंने स्टॉक प्रिपेयर किया था मटन का, अब वो स्टॉक मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि मेरा मटन रोगन जोश जो है वो और फ्लेवरफुल बन जाए और मुझे ग्रेवी भी मिल जाए। देखिए कितना थिक बना है, मुझे इतना थिक नहीं चाहिए, मुझे और थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने मटन का स्टॉक अलग करके रखी थी, ये देखिए ये वाला, ये अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आपको दिखाया था मैंने 3 ग्लास पानी जो मैंने स्टॉक बनाया था वो मैंने ऐड कर लिया है। अब इसे मैं प्रॉपर तरीके से बॉईल करूँगी, जब तक के प्रॉपर बॉईल नहीं आ जाता तब तक के अच्छे से इसे पकाऊँगी मैं। उसके बाद मैं कुकर का ढक्कन बंद करके 5 मिनट इसे रेस्ट करने दूँगी, उसके बाद मैं इसकी फाइनल प्लेटिंग आपसे शेयर करती हूँ, इसका लुक शेयर करूँगी आपसे, मटन रोगन जोश जो है बनने के बाद किस तरीके का दिखेगा वो मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा गर्मा गर्म मटन रोगन जोश बनके तैयार हो गया है। इसे आप नान के साथ भी सर्व कर सकते हो, गर्मा गर्म रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग डिश बनी थी ये, बहुत ही टेस्टी डिश बनी थी। आई एम श्योर आपके घर वालों को ये डिश बहुत पसंद आएगी, एक यूनिक ऑथेंटिक डिश है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे देखिए जो रोटी है गर्मा गर्म मैंने बना कर, उसमें मैंने घी अप्लाई किया था रोटी में, तो आप इसी तरीके से गर्मा गर्म रोटी पे घी अप्लाई करके सर्व कीजिएगा, बहुत अमेजिंग लगता है इसका टेस्ट। तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।